हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पॉइंट हैज बीन रीनेम्ड एज गन हिल। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए 0.5140। तो आपको ये बता दें कि ये जो कारगिल है उससे रिलेटेड यहाँ पर सवाल है। तो ये जो पॉइंट था 5140 इन ट्रास कारगिल सेक्टर वाज रीनेम्ड एज गन हिल ऑन जुलाई 30th 2022। ये जो है ऐसा किया गया है, जो आपको याद होगा कि जो भारत के आर्म फोर्सेस की विक्ट्री हुई थी उनको होमेज देने के लिए ये फैसला लिया गया है। जो गनर्स थे वहाँ पर ऑपरेशन विजय में ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वॉर में, उनको एक तरह से ट्रिब्यूट दिया गया है और इस नाम को जो है चेंज किया गया है, गन हिल रखा गया है उस जगह का नाम। तो द टास्क ऑफ कैप्चरिंग पॉइंट 5140 विच इज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट ऑन माउंटेन पीक इन द ट्रास सेक्टर वॉज असाइन टू 13 JKA राइफल्स अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। 0.5140 इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द टोलोलिंग रिज लाइन। इट इज द मोस्ट फॉर्मेटेबल फीचर इन द ड्रास सब सेक्टर। तो अगला सवाल आपके लिए है कि हु अमंग द फॉलोइंग वन गोल्ड इन 49 केजी वेट लिफ्टिंग इवेंट एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीराबाई चानू। तो आपको बता दें कि मीराबाई चानू ने पहला भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। 201 किलोग्राम का वजन उन्होंने उठाया, 49 केजी वेट लिफ्टिंग फाइनल ये हुआ था कि, और ये 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं बर्मिंगम में, जुलाई 30 2022 को ये कारनामा हुआ। आपको बता दें कि बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता और ये कैटेगरी इनकी 55 kg वेट लिफ्टिंग थी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है लगातार पदक मिल रहे हैं भारतीयों को। और आपको बता दें कि बिंदिया रानी ने जो है टोटल 202 किलोग्राम्स उठाया, 86 किलोग्राम्स स्नैच राउंड में, इसके अलावा 116 ग्राम क्लीन एंड जर्क राउंड में। आपको बता दें कि सिर्फ 1 किलोग्राम का फासला था जो गोल्ड और सिल्वर के बीच में। तो नाइजीरिया की जो मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अदिजात ओलारिनोए जिनका नाम है, उन्होंने 1 किलो मात्र ज़्यादा उठाया था सिल्वर मेडलिस्ट बिंदिया रानी देवी से। सो अगले सवाल आपके लिए है कि वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैज बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। सो सही इसका जवाब है ऑप्शन ए हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने डेवलप किया है मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाया है। हाइड्रोजन फ्यूल इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेक वेज फॉर वाइडर एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड चेजिंग कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विच सिटी होस्टेड चाबहार डे कॉन्फ्रेंस। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मुंबई। तो आपको बता दें यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च्ड चाबहार डे कॉन्फ्रेंस इन मुंबई ऑन जुलाई 31st 2022। द इवेंट वाज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज फ्रॉम कजाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान। द चाबहार पोर्ट प्लेज अ की रोल इन इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन टू कनेक्ट विद यूरेशिया एंड इंडिया ओशन रीजन। इंडिया एंड ईरान हैड इंक्ड द बायलैटरल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द सेम इन मई 2016। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अ न्यू स्पेशीज ऑफ डैमसेल फ्लाई हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी केरला। सो द न्यू स्पेशीज ऑफ डैमसेल फ्लाई हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्ट घाट ऑफ पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन Thrissur, Kerala. The species has been named the Anamalai Reed-tailed. The species was discovered by researchers from Travancore Nature History Society with support from PG Wildlife Division. बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। Agricultural census is conducted in a gap of how many years? सही जवाब है 5 साल। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अचिंता शौरी वन इंडियाज थर्ड गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इन विच वेट लिफ्टिंग कैटेगरी। ऑप्शन आर 61 kg, 60 kg, 73 kg और 86 kg। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।